Welcome once again. Okay, so today now we are going to study about the second topic, right? पहला टॉपिक हमने ऑलरेडी कवर कर चुका है, बराबर. फर्स्ट टॉपिक कवर कर लिया है, द वेरी फर्स्ट वन अबाउट इंट्रोडक्शन. सेकेंड हमारा जो था दैट वॉज अबाउट द लेटेंट हीट, एंड दिस इज द थर्ड लेक्चर. ठीक है, सो इसमें हम बात करने वाले हैं अबाउट द रिजिलेशन प्रॉपर्टी. नाउ वॉट इज दिस, ये क्या होता है सर, रिजिलेशन प्रॉपर्टी क्या होता है? तो इसका जो डेफिनेशन है जैसे कि मैंने लिखा है, मैं आपको वही एक्सप्लेन करूंगा पहले, एंड देन वी आर गोइंग टू सी दैट क्या ये सच में होता है. ठीक है, क्या ये सच में होता है, तो हम लोग इधर प्रूफ भी करेंगे, होगा नहीं होगा देखते हैं. उससे पहले डेफिनेशन. डेफिनेशन क्या बोलता है, द फेनोमेनन इन विच द आइस कन्वर्ट्स टू लिक्विड. बराबर, एक ऐसा प्रॉपर्टी, एक ऐसा फिनोमेना जिसमें आइस किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में, ड्यू टू अप्लाइड प्रेशर. समझ में आ रहा है, प्रेशर के वजह से एक ऐसा प्रॉपर्टी, एक ऐसा फिनोमेना प्रेशर के वजह से जिसमें आइस जो है ये क्या हो जा रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रहा है. ठीक है, अच्छा. एंड देन रिकन्वर्ट्स टू आइस वंस द प्रेशर इज रिमूव्ड इज कॉल्ड रिजिलेशन. ठीक है, सो प्रेशर लगाया तो आइस किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर में. बराबर, एंड वंस द प्रेशर इज रिमूव्ड इट अगेन रिकन्वर्ट्स इनटू आइस. सो दिस फेनोमेना, दिस प्रॉपर्टी इज नथिंग बट रिजिलेशन प्रॉपर्टी. नाउ द प्रॉब्लम इज कि क्या ये सच में होता है, इज इट पॉसिबल एनी हाउ. तो यस इट इज पॉसिबल. ठीक है, ये पॉसिबल है, बराबर है. ठीक है, नाउ अभी बताता हूँ आप लोग को जो मेजर चीज़ है. ये डेफिनेशन तो ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा. डेफिनेशन ने सिंपल सा लॉजिक बताया है, सिंपल सा लॉ बताया है. क्या लॉ बताया, एक ऐसा प्रॉपर्टी, ठीक है, एक ऐसा फिनोमिना जिसमें आप प्रेशर आइस के ऊपर लगा रहे हैं हम लोग. ठीक है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, सॉलिड से लिक्विड में, मतलब लिक्विड में कन्वर्ट हो गया. और जैसे ही वो प्रेशर हटा लिया वापस से वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, रिकन्वर्ट हो गया आइस में. सो ये प्रॉपर्टी बताता है. ठीक है, नाउ जस्ट इमेजिन कि ये वेट लटका दिया है मैंने. ठीक है, सो ये क्या है, एक स्ट्रिंग है, दिस इज नथिंग बट अ स्ट्रिंग. सही है, अब क्या हुआ, ये स्ट्रिंग इस आइस के ऊपर इधर क्या करेगा, प्रेशर अप्लाई करेगा. सो जैसे ही वो क्या प्रेशर अप्लाई करेगा तो आइस में ऐसा कुछ बन जाएगा, एक कर्वेचर बन गया. राइट है, एज सिंपल एज दैट, वेरी बेसिक, बहुत ही बेसिक चीज़ बताया है मैंने कि प्रेशर लगाने की वजह से वो क्या होगा, वो कटते हुए चला जाएगा. ना अभी प्रेशर मैं क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ. सो जैसा मैंने क्या हटा दिया, प्रेशर हटा दिया, तो देखते हैं क्या होगा. प्रेशर हटा दिया, सबसे पहले क्या बोला था कि प्रेशर है. ठीक है, जैसे प्रेशर लगाया तो आइस कन्वर्ट हो गया लिक्विड में, बराबर. ठीक है, एंड देन रिकन्वर्ट्स टू आइस वंस द प्रेशर इज रिमूव्ड. अभी वो वापस कैसे कन्वर्ट होता है, तो सिंपल सी बात है कि भाई अगर मैं ये पूछूं ये क्या है, सो सर दिस इज आइस, इसका टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस. इसके आजू बाजू का जो टेम्परेचर है, इसके आजू बाजू का, आइस के आजू बाजू का जो टेम्परेचर है, इट इज अगेन 0 डिग्री सेल्सियस. सिंपल, एकदम सिंपल सा लॉजिक है. जो भी आजू बाजू आइस के थोड़ा सा साइड में कितना टेम्परेचर रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस. नाउ एक और चीज़ बताओ, एनवायरनमेंट का नाम सुना है, अरे वही सराउंडिंग जिसको बोलते हैं. ठीक है, अ प्लेस वेयर वी लिव दैट इज नथिंग बट एनवायरनमेंट. तो अपने एनवायरनमेंट में एक स्पेशल चीज़ प्रेजेंट होता है सर, वो कौन सा स्पेशल चीज़ है, उसको हम लोग बोलते हैं वाटर वेपर. क्या बोलते हैं उसको, वाटर वेपर. मतलब जो वाटर कौन से स्टेट में है, गैशियस स्टेट में है, स्टीम के फॉर्म में है जो चीज़. ठीक है, वाटर वेपर प्रेजेंट रहता है. नाउ जस्ट इमेजिन, थोड़ा सोचिए कि ऐसा वाटर वेपर तो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, तो ये भी तो एनवायरनमेंट का ही हिस्सा है, तो इधर भी वाटर वेपर आएगा. अब जैसे ही वाटर वेपर इधर आएगा, आजू बाजू में इधर इधर किधर आएगा वाटर वेपर, तो वो कितना टेम्परेचर एक्सपीरियंस करेगा, 0 डिग्री सेल्सियस. है कि नहीं, एनवायरनमेंट में जब दूर था तो जो भी टेम्परेचर था वो तो अलग था, लेकिन जैसे आइस के करीब आया तो उसका टेम्परेचर देख रहे हो क्या हो गया,
अरे उधर तो ज्यादा टेम्परेचर था, जैसे आइस के पास आया ना टेम्परेचर इसका जीरो बराबर है, तो जैसे ही वो जीरो आ गया तो वाटर वेपर था ना भाई, है कि नहीं। ये किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, और जैसे लिक्विड में कन्वर्ट होगा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा मतलब यहाँ पर सराउंडिंग में एनवायरनमेंट में जो भी अपना वाटर वेपर प्रेजेंट था वो आइस को क्या कर दिया, फिलअप कर दिया। गेटिंग, ठीक है। यहाँ पर जीरो डिग्री सेल्सियस था, है कि नहीं, जीरो डिग्री सेल्सियस था, उसी के वजह से जो भी वाटर वेपर उसके पास आता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कंडेंस हो जाता है ना, है कि नहीं। अरे पढ़े तो हो, वही तो बता रहा हूँ, क्या हो जाता है, कंडेंस हो जाता है। जैसे कंडेंस हो जाएगा मतलब किस में कन्वर्ट हो गया, आइस में कन्वर्ट हो गया, एंड द लॉ इज राइट, ये चीज़ सही है। ठीक है, इन्होंने क्या बोला वापस बताता हूँ आपको, इन्होंने बोला कि जब आप किसी चीज़ के ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर नहीं, आइस के ऊपर क्या लगा रहे हो, प्रेशर लगा रहे हो, क्या लगा रहे हो, प्रेशर आइस के ऊपर, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन जैसे ही प्रेशर हटा लोगे तो आफ्टर सम टाइम वो वापस से आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये लॉ है। ठीक है, सो दैट्स ऑल इन दिस, बस यही था सेकंड टॉपिक, मिलते हैं विद द थर्ड टॉपिक, टिल देन मेक श्योर ये पढ़ लिया आपने, ठीक है। ऑल यू हैव टू डू इज रिमेंबर दिस, इस चीज़ के बारे में थोड़ा याद रखो, ठीक है, इसको याद कर लो, ये भाई साहब को याद कर लो, अरे वो तो ईजी है, है कि नहीं। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।